there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. हेलो दोस्तों, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यमहा की अपकमिंग एडवेंचर टूरिंग बाइक FZ के बारे में। दोस्तों, हाल ही में यमहा ने अपनी एक न्यू बाइक का ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया है जिसका नाम FZX रखा गया है। दोस्तों, आप चाहे कितने भी बड़े यूट्यूबर या छोटे यूट्यूबर्स की वीडियो देखते हैं और वो जो भी अपडेट आपको देते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वेबसाइट से उनको ये न्यूज़ या अपडेट पता चलता है, खास करके जो अपकमिंग बाइक रिलेटेड न्यूज़ होते हैं। तो अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये भी एक्सपर्ट ऑटोमोबाइल वेबसाइट के जरिए अपडेट मिला है, उसी के थ्रू मैं ये न्यूज़ अपडेट आपको बता पा रहा हूँ। दोस्तों, यमहा ने 28 दिसंबर 2020 को यमहा FZX नाम के साथ एक और न्यू बाइक अपने FZ सीरीज लिस्ट में ऐड कर दिया है। एक्सपर्ट की माने तो ये एक प्रॉपर एडवेंचर टूरिंग बाइक होने वाली है। इस बाइक से जुड़े अपडेट आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और अगर आपका मूड करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों, यमहा की 2021 की और अपने कम सीसी के सेगमेंट की ये एक पहली एडवेंचर टूरिंग बाइक होने वाली है। वैसे तो MT-15 को भी टूरिंग के हिसाब से बनाया गया है, बट ये स्पोर्ट टूरिंग कैटेगरी में आती है। बट यमहा की आने वाली FZX एक कम सेगमेंट की फुल्ली लोडेड और प्योर एडवेंचर टूरिंग बाइक होने वाली है। यमहा की FZ25 भी मार्केट में अवेलेबल है, बट यमहा को इस बाइक से जितना भी उम्मीद था उतना ये कस्टमर को नहीं भाई है। अभी आप जो स्क्रीन पे बाइक देख रही है FZ25 बाइक है, और जो FZX का अभी तक उसका कोई ना तो फोटोज़ लिख हुआ है ना ही वीडियोज़ लिख हुआ है, तो ये एक एक्सपेक्टेड डिज़ाइन और पैटर्न के हिसाब से आपको इमेज दिख रहा होगा। और आने वाले टाइम में अगर कुछ भी अपडेट मिलता है तो उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। करंट में यमहा की FZ25 का प्राइस भी हाई है और इसका पावर रेशियो भी 250 सीसी के हिसाब से बहुत कम है। FZ25 से ज़्यादा पावर आपको बजाज की पल्सर 200 सीसी की बाइक में देखने को मिल जाता है, मतलब FZ25 किसी भी हिसाब से वैल्यू फॉर मनी बाइक साबित नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, इसी को देखते हुए यमहा FZX को लॉन्च करने वाली है और ये बाइक आपको इस साल के एंड तक लॉन्च होते हुए दिख सकती है। और अभी एक हवा सा चल रहा है कि काफ़ी सारे लोग बाइक से ट्रिप पे जाना पसंद कर रहे हैं और सारी बाइक की कंपनी मिड सेगमेंट में टूरिंग बाइक लॉन्च कर रही है, तो भाई यमहा कहाँ हार मानने वाला है। यमहा भी अपने मिड सेगमेंट में FZX को लॉन्च करने वाली है। अकॉर्डिंग टू वेबसाइट FZX में FZ25 का ही इंजन को यूज किया जाएगा, बट पर्सनली मेरा मानना है कि कंपनी को एक न्यू 250 सीसी का इंजन तैयार करना चाहिए, या फिर पुराने 250 सीसी के इंजन में ही थोड़ा ज़्यादा पावर या टॉर्क या फिर अच्छे से ट्यूनिंग करके एक रिफाइंड ट्यून RT इंजन देना चाहिए। क्योंकि अगर कंपनी पुराना सेम 250 सीसी का इंजन देती है तो पावर तो कम ही रहेगा बट प्राइस हाई हो सकता है, क्योंकि इसमें ट्यूरिंग के हिसाब से एसेसरीज और कई सारे एक्स्ट्रा पार्ट भी होंगे जिससे इसका प्राइस ज़्यादा हो सकता है। FZX में आपको सेम 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड SOSC इंजन देखने को मिलेगा, जो 20.6 BHP का पावर और 20 न्यूटन मीटर का पिक टॉर्क देगी। इसमें आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स भी देखने को मिलेगा। इसमें आपको फ्रंट और रियर दोनों में जो सस्पेंशन है वो डिफरेंट टाइप के सस्पेंशन देखने को मिलेगा, जो एडवेंचर टूरिंग के हिसाब से कंफर्टेबल हो उस टाइप का इसमें सस्पेंशन को यूज किया जाएगा। फुल्ली LED हेडलाइट विथ BI फंक्शन LED के साथ ये बाइक आएगी। इसमें आपको DRL भी देखने को मिलेंगे। FZX25 में आपको इंजन काउल भी मिलेगा, बट देखना ये होगा कि कंपनी इसमें आपको स्टील का काउल या फाइबर का काउल ऑफर करती है। इसमें आपको एलॉय व्हील देखने को मिलेगा। FZX25 में आपको स्विचेबल डुअल चैनल ABS देखने को मिलेगा, जिसको आप अपने हिसाब से ABS को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसमें आपको राइडिंग मोड्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एक स्विच मिल जाएगा जहां से आप अपने राइडिंग मोड को सेलेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें आपको मोबाइल कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मतलब ये बाइक फुल्ली लोडेड होने वाली है एडवेंचर टूरिंग के हिसाब से। फुल डिजिटल कंसोल मीटर देखने को मिलेगा। इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 10 से 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगा, और फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो इसमें आपको माइलेज थोड़ा पहले से ज़्यादा मिलने की उम्मीद लगा सकते हैं। टायर की बात करें तो इसमें ऑफरोडिंग टाइप के ट्यूबलेस टायर देखने को मिलने वाला है, और अगर इसके कंपटीटर की बात करें तो KTM का 250 एडवेंचर और बजाज का डोमिनार 250 होने वाला है। बट दो और ऐसी भी बाइक आने वाली है जो इसके कंपटीटर साबित हो सकती है, एक है सुजुकी का जिक्सर 250 एडवेंचर और एक है TVS का राइडर। और TVS का राइडर पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसका एक्सपेक्टेड प्राइस 1,70,000 के आसपास हो सकता है। दोस्तों, जैसे ही इस बाइक से रिलेटेड यमहा की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को भी बता दूंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दोस्तों, मैं यूट्यूब से ज़्यादा एक्टिव इंस्टाग्राम पर रहता हूँ और वहाँ पर यूट्यूब से पहले आपको अपडेट दे देता हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे DM या कमेंट कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थे यमहा की न्यू अपकमिंग बाइक एफजेड एक्स के कुछ अपडेट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विद बाइक।